स्वागत है आपका हमारे रॉक नटराज व्लॉग्स चैनल के अंदर। मोटिवेशन से भरे, विचारों से भरे इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज वीडियो देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियोस देखने के लिए। कभी भी आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेके निराश मत होना दोस्तों। किसी भी चीज़ को आपको हासिल करना है, उस चीज़ को पाना है, तो दिन रात एक करके मेहनत करके उसे हासिल कर लो दोस्तों। कौन सी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो आपको नहीं दिखता। दिखता है तो केवल और केवल उनको मिली हुई सफलता दोस्तों। सिर्फ सफलता मिली है इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, बल्कि उन्हें संघर्ष कितना करना पड़ा, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखो, इन चीज़ों को भी देखो। तब आपको जाके पता चलेगा कि उन लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। कभी भी किसी को उसके रंग रूप से पहचानने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों कोई कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई कितना कम बुद्धिमान है, ये आपको उसके रंग रूप से पता नहीं चलेगा, बल्कि उसके गुणों से और उसके विचारों से, उसकी बातों से आपको पता चलेगा। इसलिए किसी को भी वो मोटा ये, छोटा ये, लंबा ये, पतला ये, मोटा ये, छोटा ये, इस तरह उसे किसी भी व्यक्ति को सोच के ऐसी गलती मत करना। कोई कम शक्तिशाली हो या ज़्यादा शक्तिशाली हो, किसी को कम समझने की गलती मत करना। और कभी भी किसी का बुरा सोचो मत। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। याद रखना हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। हमेशा याद रखना, जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आप तो अपने कर्म हमेशा सही रखना और अच्छे ही करना। याद रखना, अच्छे लोगों का अच्छा होता है, बुरे लोगों का हमेशा बुरा होता है। इसलिए अच्छे कर्म करना सीखो। अच्छे कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ बड़ा कर पाओगे, पर बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्म तो हमेशा अच्छे रखना और हमेशा सच्चे रखना, सही रखना दोस्तों। लोगों की सोच बड़ी छोटी हो चुकी है। आजकल के लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देने लगे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी चीज़ों पे मत ध्यान दो दोस्तों। कोई कितना धनवान है, कोई कितना गरीब है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के उसकी सहायता या मदद मत करो, बल्कि एक सुंदर और अच्छे विचार और एक अच्छे और सुंदर मन से उसकी सहायता, उसकी मदद करो। कभी भी किसी को उसके रंग रूप से पहचानो मत, उसके गुणों से और उसकी बातों, उसके विचारों से उसे पहचानो। कभी भी किसी का अच्छा सोचोगे तो आपका भी आगे चल के अच्छा होगा, बुरा नहीं। इसलिए दोस्तों सबका अच्छा सोचो और हमेशा सबका अच्छा ही करो, आपका भी आगे चल के अच्छा ही होगा। लोगों की पता नहीं क्यों पर सोच बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं और उनके ऊपर ध्यान देते हैं। पर दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना भी कुछ भी करोगे वो अच्छा होगा। सिर्फ अच्छे मन और सच्चे मन से करना सीखो। कभी भी आप किसी का सही गलत आपके हाथों में नहीं है कि इस व्यक्ति ने सही किया गलत किया दोस्तों, हाथों में है भगवान के। इसलिए कभी भी किसी को सही गलत मत कहो, या उसे मत सिखाओ, या उसे मत बताओ। उसे सफाई देने में कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि आप अपनी जी जान मेहनत लगा के आप अपना काम हमेशा करते रहो। कभी भी अपने काम से
पीछे नहीं हटना चाहिए और जो आपका कर्तव्य है उसे हमेशा करते रहो। कोई भी आ जाए, अपने आपका जो भी कर्तव्य है उसे हमेशा करते रहो और किसी से भी कभी भी मत डरो। दोस्तों, आपका मन भी शांत नहीं होता, शांत नहीं रहता तो दोस्तों इस उपाय को आप इस्तेमाल करें, इस उपाय को आजमाएं तो देखो आपका मन शांत होता है या फिर नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा चिंता करना नहीं है, दूसरा आपको ज़्यादा विचार करना नहीं है, तीसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कम बोलो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आप कम बोलें। दोस्तों, कम बोलना सीखो, जितना कम बोलोगे उतना खुश रहोगे। दोस्तों, कम बोलने से हमें क्या होता है, क्या फ़ायदे मिलते हैं? दोस्तों, कम बोलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो कि आपको पता नहीं होंगे, पर दोस्तों कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे, सिर्फ और सिर्फ इन फ़ायदों को आप जान लो तो आपके जीवन में आप बहुत सारे प्रकार के बदलाव ला पाओगे और लाओगे। इसलिए दोस्तों, आप कम बोलने के फ़ायदों को जान लो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कम बोलोगे तो आपको भरपूर प्रकार के फ़ायदे होंगे, जैसे कि ये सबसे पहला फ़ायदा जो कि है आप कम बोलोगे तो आपके घर में कम से कम झगड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, कम से कम झगड़े होंगे आप कम बोलोगे तो। इसलिए कम बोलो, कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे जो कि लोगों को पता नहीं है, पर दोस्तों जब ये सारे फ़ायदे लोगों को पता चल जाएंगे तब लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसलिए कम बोलना सीखो। और दोस्तों, लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर दोस्तों याद रखना, चाहने से नहीं, कर दिखाने से वो होता है। इसलिए दोस्तों, कौन सी भी चीज़ को सिर्फ चाहो ही नहीं बल्कि उसे करने की भी शक्ति और क्षमता रखो। और कभी भी आप किसी का बुरा सोचो मत और कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। याद रखना, हमेशा अपने कर्मों से कोई कभी बच नहीं सकता। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ भी आगे चल के अच्छा होगा, पर आपके कर्म बुरे हैं तो आपके साथ भी आगे चल के बुरा ही होगा। इसलिए आप अपने कर्म हमेशा सही रखना, सच्चे रखना, अच्छे रखना। आप चाहते तो बहुत कुछ हो पर कर दिखाते कुछ नहीं हो, इसलिए चाहो मत बल्कि उसे करने की भी शक्ति रखो। और आप जो करोगे वो हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग से करना। और आप भी क्या अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हो या निर्भर हो अपने इस भाग्य के ऊपर? तो अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर रहना छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों किसी के भाग्य में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, और मुझे भी नहीं पता मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए अच्छा यही होगा कि दोस्तों हम किसी भी चीज़ के ऊपर या भाग्य के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि दोस्तों जब हमें पता ही नहीं कि आगे चल के होने ही क्या वाला है तो उसके ऊपर निर्भर ही हमें क्यों रहना है जबकि हमें पता ही नहीं कि होने ही क्या वाला है। इसलिए दोस्तों अच्छा यही होगा कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर ना रहे। और दोस्तों किसी के भी ऊपर जल्द ही विश्वास मत रखो, क्योंकि दोस्तों कोई विश्वासघात कर सकता है, कोई विश्वासघात नहीं कर सकता, ये हमें तो नहीं पता। इसलिए दोस्तों अच्छा यही होगा कि आप विश्वास रखो खुद पे और अपने भगवान पे और आपके माता पिता पे, क्योंकि दोस्तों यही जो तीन लोग हैं जो कि आपका जन्म कैसा होना चाहिए, आपका अंत कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इन ये तीन लोग। इसलिए दोस्तों आप इन तीन लोगों की इज्जत करो और इनके ऊपर ही विश्वास रखो हमेशा। आप चाहते तो बहुत कुछ हो पर कर दिखाते कुछ नहीं हो। इसलिए दोस्तों कौन से भी चीज़ को सिर्फ चाहो ही नहीं बल्कि उसे करने की भी खुद के अंदर उतनी शक्ति और क्षमता रखो। और किसी भी चीज़ को साधारण समझने की गलती मत करना। कोई कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है वो चीज़, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप उस चीज़ को करोगे। इसलिए कौन से भी चीज़ को आप हल्के में मत लो, किसी भी चीज़ को साधारण समझने की गलती मत करो। कोई कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कोई कितनी ज़्यादा डेंजर है,
वो आपको तभी पता चलेगी जब वो आपके सामने आ जाए, जब वो आपका सामना करे, जब आप उनका सामना करें। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को दूर से ही मत पहचानो या उसके रंग रूप से मत पहचानो। और आप जिसे बुरा समझते हो या जिसे आप बुरा सोचते हो कि वो बुरा व्यक्ति है, वो अच्छा निकल जाता है, और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो बुरा निकल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, आप अपने इस जुबान, अपने डर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखें तो दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर पाओगे इन चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण रखोगे तो। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपकी प्यारे से जुबान, दूसरी चीज़ आपका डर, और तीसरी चीज़ जो कि है आपका भय, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों पे अपना नियंत्रण रखें। और दोस्तों, आप जो चाहते हो वो होगा, पर हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग से करना। दोस्तों, हमेशा याद रखना, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए भी होते। इसलिए सपनों को सिर्फ देखो ही नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के भी खुद के अंदर उतनी शक्ति और उतनी क्षमता रखो। और दोस्तों, आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। दोस्तों, आपके सपने वो नहीं पूरे होंगे जो आप सोते समय देखोगे, सपने तो वो पूरे होंगे जिन सपनों के लिए आप सोना ही बंद कर दोगे, वो सपने पूरे होंगे। इसलिए सपने ऐसे देखो जो कि बहुत ही बड़े हो। छोटे सपने तो बहुत और हर कोई देख लेता है, पर बड़े सपनों को पूरा करना भी आना चाहिए। बड़े सपने उनके ही होते हैं जो लोग बहादुर हैं, जो लोग हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने सपने हमेशा बड़े रखना, कभी भी इन छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो इतना। और दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी करना चाहो तो एक सही मार्ग से करना। क्यों सभी लोग बुरे मार्ग पे चल रहे हैं? दोस्तों, बुरे लोग बुरे मार्ग पे क्यों चलते हैं? और बुरे ही नहीं, हर कोई बुरे मार्ग पे क्यों चलता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको पता नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा। दोस्तों, बुरा मार्ग ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है तो बहुत सारे लोगों के लिए बुरा है। दोस्तों, बुरे मार्ग पे वही चलते हैं जिन्हें जल्दी से जल्द सफलता हासिल करनी है, क्योंकि दोस्तों, हर कोई सफलता हासिल करना चाहता है, वो भी जल्द से जल्द। पर दोस्तों, आपको सफलता हासिल होगी पर जल्द से जल्द नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, जल्द से जल्द सफलता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छे मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अच्छे मार्ग से क्यों, बुरे मार्ग से क्यों नहीं? दोस्तों, हमेशा याद रखना, अच्छे मार्ग से कुछ भी हासिल करें इस दुनिया में, वो हमेशा हमारे साथ अंत तक टिकेगा। पर बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करें तो वह कभी भी हमारे साथ अंत तक नहीं टिकेगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना देखा, उन सारी चीज़ों को सिर्फ सुनो या देखो ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारो और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बनो। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि जान से ली बात कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और उसके साथ ही में आप हमारे चैनल पे हर रोज आएंगे तो आपको भरपूर मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और उसके साथ ही में आप मोटिवेशन से भरी बातों को सिर्फ सुनो ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारो और उसके साथ ही में आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति भी बनो। सफल व्यक्ति बनना आसान है, बहुत सारे लोगों के लिए आसान है तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि सफलता
सफलता तो मैं जल्दी से जल्द हासिल कर लूँगा, पर जो ऐसा सोचेगा कि सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल ही रहेगा। इसलिए कौन से भी चीज़ को कम समझने की गलती मत करो। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए और अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए। और दोस्तों जाने से पहले एक बात कहूँगा, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।